नमस्ते व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे घर में लॉकर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में वो कैसा रिजल्ट देगा। तो नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप लॉकर रखते हो घर की, तो गोल्ड और पैसा कमाने की क्रेविंग्स आपकी और बढ़ती जाएंगी और जो कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगी आपकी लाइफ में। इसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लॉकर रखते हो, तो आप कम पैसा कमा के ही अपनी जिंदगी में सेटिस्फाई हो जाओगे, पैसा कमाने की कोई ज्यादा इच्छा रहेगी नहीं आपकी लाइफ में। ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लॉकर रखते हो, तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने सोशल सर्कल और फ्रेंड सर्कल पे आप इन्वेस्ट करोगे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लॉकर रखते हो, तो कैश क्रंच जिंदगी में कभी नहीं आता, उल्टा धन बढ़ता ही जाएगा। साउथ डायरेक्शन में अगर आप अपने घर में लॉकर रख रहे हो, तो आप अगेन रिलैक्सेशन के स्टेज में चले जाते हो। जितना पैसा आता है, उतने से ही आप सेटिस्फाई हो जाते हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपना लॉकर तब रखना है जब आप रिटायर्ड हो, आप अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है कंप्लीट कर चुके हो, और अब आप चाहते हो कि जितना धन हमारे पास है वो एक स्थिरता की स्टेज में चला जाए, वो स्टेबल हो जाए हमारे पास हमेशा के लिए। देन वेस्ट डायरेक्शन में लॉकर आप तब रखते हो अगर आप स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम लॉकर तब रखते हैं जब हमें बैंकिंग सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ लोन्स चाहिए, आपकी कुछ ईएमआईज चल रही है, जिसके कारण आपको बैंक की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपना लॉकर नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अदरवाइज नॉर्थ वेस्ट में अगर आप लॉकर रखोगे, तो पैसा जो है वो जल्दी से हाथ से निकलता जाएगा, खर्च होता जाएगा। सो ओवरऑल जो हम आपको रेकमेंड करते हैं, सबसे बेस्ट है कि आप अपना लॉकर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, जो धन इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है और धन को स्टेबल भी करता है और आपकी क्रेविंग्स भी इंक्रीज करता है कि आप और पैसा कमाएं। जो भी आपको सजेशंस इस वीडियो में दिए गए हैं, आप उनको एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए अपनी जिंदगी में, आपको फायदा जरूर होगा। धन्यवाद।